ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸਵ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਚੰਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸਵ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा। इंडिया गठबंधन वो छुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही छुटकारा दिलवाएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें देश की तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपनी व्यक्तिगत मतभेद मनभेद दरकिनार कर साथ आने का फैसला लिया, देश हित में फैसला लिया। अब सीटों का बंटवारा कौन से राज्यों में होगा, कौन से में नहीं होगा, कौन से राज्यों में रणनीति के तहत साथ आकर लड़ा जाएगा और कौन से राज्यों में रणनीति के तहत भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ा जाएगा, यह फैसला सीट शेयरिंग की जब पूरी बातचीत है वो समाप्त हो जाएगी उसके बाद लिया जाएगा।